तो गुड मॉर्निंग, नया दिन, नई सुबह और नए जोश के साथ स्वागत है आज के इस नए ब्लॉग पर। दोस्तों, आज हम हैं इस समय, आप देख रहे हैं, फुलाद जंक्शन पर हैं और हम चले हैं मारवाड़ जंक्शन से गोरम घाट के लिए। गोरम घाट एक ऐसा जगह जो आप दोस्तों, ट्रेन स्टार्ट हो गई थी तो आके हम यहाँ पे बैठ गए हैं। और बता दें, जो आप मूवी चेन्नई एक्सप्रेस में देखते हैं, जो सीन आपको दिखाई देता है पहाड़ों से होकर जो ट्रेन जाती है उसकी जो सीन दिखाई देता है, वो सीन यहाँ आपको देखने को मिलेगी। तो वीडियो पे बने रहिएगा और हम दिखाएंगे सब कुछ यहाँ दिखाएंगे। और दोस्तों, ये ट्रेन जो है पुराने ज़माने की 1932 की है, अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया ट्रेन है। और इसी ट्रेन में बैठे हैं, 5 डिब्बे हैं इस ट्रेन में। ये ट्रेन मारवाड़ से माउली तक चलती है और ये ट्रेन हमको वहाँ पे 6:15 में मिली है। मारवाड़ में 6:15 में मिलती है, जो गोरम घाट के लिए हम जाएंगे और गोरम घाट वहाँ पे उतरेंगे और वहाँ का सीन आपको दिखाएंगे। तो देख लीजिए और चलते हैं आगे की सीन आपको हम दिखाते हैं। जगह है यार, जो सीन आप यहाँ आओ तो देखोगे, वो सीन हम आपको वीडियो में नहीं दिखा सकते। वास्तव में कभी आइए आप यहाँ घूमने के लिए, इस सीन को देखने के लिए, गोरम घाट देखने के लिए, बहुत ब्यूटीफुल जगह है। दोस्तों, देख सकते हैं आप यहाँ ट्रेन आपको बता, और काफ़ी 5 घंटे वाली ट्रेन है। हम और आप सिर्फ यही जानते हैं कि राजस्थान रेत ही देश है, लेकिन यहाँ हरियाली भी है। देखिए इन पहाड़ों के बीच में कितनी सुंदरता और कितना हरियाली है। सिर्फ हम रेत और बालू ही जानते थे राजस्थान में। आप ये देख सकते हैं कितना सुंदर जगह है। दोस्तों, हम आ गए हैं गोरम घाट, देख लीजिए। और यहाँ हमारे साथ हैं भाई लोग, और यहाँ देखिए ट्रेन है, ये जा रही है ट्रेन। दोस्तों, आज के खतरनाक एडवेंचर में आप देख सकते हैं हम कहाँ पर खड़े हैं। ये देखिए आप सीन यहाँ के देखिए, इतना ब्यूटीफुल, ये देखिए भाई। और हम खड़े हैं यहाँ पे इस ट्रेन के पटरी पर, इस पुल पर चलते हैं। देखिए आगे झरना भी है। और ये भाई देखिए, यहाँ पे हम लोग 4 लोग हैं, क्योंकि और जो टूरिस्ट हैं आएंगे दोपहर में। हम लोग सुबह चले आए थे 8 बजे। आराम आराम से इन पटरियों पे से चलते हैं हम आगे की तरफ। इन पहाड़ों को काट कर कैसे बनाया गया है इस रेलवे को। और ये भाई लोग, हम 4 लोग यहाँ पे टहल रहे हैं, बाकी और कोई टूरिस्ट नहीं आए हैं यहाँ पे। और बाकी मौज मस्ती कर रहे हैं हम 4 लोग और यहाँ पे टहल रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, काफ़ी बेहद सुंदर नज़ारा दिख रहा है। और दोस्तों, अभी हम लोगों को यहाँ पे सिर्फ 3 घंटे टाइम मिला है यहाँ पे घूमने के लिए। तो हम लोग 3.5 घंटे यहाँ पे घूमेंगे, फिर 12 बजे ट्रेन है, फिर वो ट्रेन को पकड़ के मारवाड़ जाएंगे। तो उसके बाद कोई ट्रेन नहीं है, तो हम लोग पास 3 घंटे है यहाँ पे घूमने के लिए। तो हम लोग घूमेंगे और यहाँ के, अब देखिए ये वाला ट्रैक देखिए,
भाई लोग बहुत आगे तक चले गए हैं, हम भी जा रहे हैं दौड़ते दौड़ते, बहुत दूर तक चले गए हैं, पहुंच रहे हैं जल्दी जल्दी। हम अकेले यहाँ पे रुक गए हैं। दोस्तों अब आप ये देख सकते हैं जोग मंडी प्राकृतिक दर्शनीय स्थल, यहाँ 102 नंबर है। तो यहीं से हम लोग नीचे उतरते हैं, उसके बाद चलते हैं झरने के पास, वहाँ आगे झरना है तो वहाँ चलते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए मेरे भाई लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं, ये देख सकते हैं ये नीचे की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों अभी आप यहाँ के सीन देख सकते हैं, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है और काफ़ी अमेजिंग सीन लग रहा है। और यहाँ ऊपर देखिए पुल है, तो अब चलते हैं आगे की तरफ। दोस्तों ये देख लीजिए झरना, ऊपर से पानी बह रहा है, नीचे की तरफ यहाँ आ रहा है। अभी हम चलते हैं ऊपर, वहाँ नहाते हैं, मन करेगा तो नहाएंगे, देखते हैं क्या कैसा मूड बनता है नहाने का या नहीं नहाने का। दोस्तों आप ये देख सकते हैं झरना यहाँ पे, और देखिए ऊपर जा रहे हैं भैया लोग, बस आ रहे हैं हम भी ऊपर की तरफ। चल दिए हैं मारवाड़ जंक्शन की तरफ। दोस्तों आप लोग आइएगा तो सोच समझ के आइएगा, क्योंकि हमेशा पर्यटक नहीं रहते हैं, ज़्यादातर संडे को भीड़ होती है। संडे को आप आएंगे तो यहाँ का आनंद ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। और बाकी आज कोई नहीं गया था घूमने के लिए, सिर्फ हम ही कुछ लोग चार लोग गए थे घूमने के लिए। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं।